पर मरा के इलाज के जाम क्यों भरे कोई नी कारण में पिस जा तेरा साला मैं 13 साल पहले ही मार गयो वो। राजस्थान में चुनाव परिणाम आने के 2 दिन के भीतर ही राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर रोते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है, जो शुरुआत में आपने देखा। ये व्यक्ति युवाओं से आईएएस आईपीएस को अपना आइकन बनाने की बात कर रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि उसका भाई यानी कि रोहित जब अपने परिवार का नहीं हुआ तो वो दूसरों का क्या होगा। इसे शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति रोहित गोदारा का भाई है और उसने सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, रोहित गोदारा का भाई आया सामने, रखी अपनी बात। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने एक्स पर भी इस वायरल वीडियो को शेयर किया है। क्या रोहित गोदारा के भाई का वायरल वीडियो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद का है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने फेसबुक पर कुछ कीवर्ड सर्च किए। यहाँ कुछ यूजर्स ने बताया कि वायरल वीडियो अभी का नहीं है। हमें फेसबुक पर अजय थोरी नाम के एक यूजर की प्रोफाइल पर 15 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया एक पोस्ट मिला। इसमें अभी हो रहा वायरल वीडियो मौजूद है। कैप्शन में लिखा है, रोहित गोदारा स्वामी के बड़े भाई हरमनदास स्वामी का वीडियो देखें, वो क्या बोले। इससे ये साफ है कि वीडियो 1 साल पहले से इंटरनेट पर मौजूद है। इस बात की पुष्टि हमें कई और वीडियोस से भी मिली, जैसे जी राजस्थान के आधिकारिक अकाउंट से दिसंबर 2022 में एक वीडियो को ट्वीट किया गया था। इसमें बताया गया था कि गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या से जुड़े मामले में रोहित गोदारा का नाम आ रहा था। उस वक्त रोहित गोदारा के भाई का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने रोहित का विरोध किया था। आपको बता दें, बीते साल 3 दिसंबर को राजू ठेहट की राजस्थान के सीकर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की भी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी। हत्या के बाद रोहित के भाई हनुमान स्वामी ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की थी। साल बदला, एक बार फिर खौफनाक हत्या हुई, जिम्मेदारी फिर से रोहित गोदारा ने ली। लेकिन इस बार रोहित के भाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पुराना वाला ही है। तो नतीजा कुल मिलाकर ये है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के भाई का 1 साल पुराना वीडियो अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है। आपके लिए पड़ताल की है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।